नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय घीची आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बहुत दिनों से जो है आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत की बात की थी और आधुनिक भारत जिसकी हम रूपरेखा की बात कर रहे थे, और मैंने आपको शुरू में ही कहा था पहले और दूसरे वीडियो में कि इन वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले सिलेबस कौन सा पढ़ना है और उसे किस रूप में पढ़ना है ये देख रहे हैं। तो आधुनिक भारत में हमने बात की थी कि 18वीं सदी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, और उसके पश्चात जो है भारत के अंदर जब मुगल सत्ता का पतन हुआ और मुगल सत्ता के पतन के साथ ही यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ ही जो वहाँ पर मुगलों के अधीन सामंत या सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे, इन्होंने अब जो है स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और ये जो है राजा बन बैठे। इसी के साथ ही भारत के अंदर मुगलों के समय आने वाले जो यूरोपीय कंपनी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर व्यापार को सुदृढ़ करना चाहा और भारत में जो है वो यूरोपीय कंपनियाँ आनी लग गई। तो एक तरफ जो है तो यूरोपीय कंपनी आ रही है, दूसरी तरफ मुगल सत्ता कमजोर है, और इसी के साथ में मैंने बताया था कि इसी समय एक नवोदित सत्ता का उदय हुआ। यह नवोदित सत्ता थी पेशवा, जो कि मराठों के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मराठों के प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने जो है जब मराठों के अंदर विघटन की जो शुरुआत हुई, मराठों के अंदर जब एक जो विघटन या बिखराव हुआ, उस बिखराव का इन्होंने जो है वो फायदा उठाया, और इसी के साथ ही इन्होंने जो है वो स्वतंत्रता के साथ साम्राज्य को संभाला। और ये साम्राज्य को जब संभाल रहे थे और मराठों का जब पतन हो रहा है और यूरोपीय कंपनियां भारत में आ चुकी है, तो इसी के साथ ही जो है भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं, और ये विदेशी आक्रमण अफगानियों के द्वारा किए जाते हैं। इनमें जो है वो 1739 का नादिर शाह का और 1761 का जो है वह अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण है, यह बहुत ही भारत के जो हिस्ट्री में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस उसके संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि भारत की हिस्ट्री में जो 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध है, ये युद्ध जो है वो भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से जो है वह बता देता है कि भारत की स्थिति में कौन ऐसी सत्ता है जो अब आगे आने वाले समय में भारत को लीड करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको पुराने वीडियो में जो है बहुत सी चीज़ें तो क्लियर की थी, और मैंने अंतिम रूप में ये आपको ये बताया था कि इस भारत के अंदर जो व्यापारी कंपनियों हैं, उन व्यापारी कंपनियों में मुख्यतः फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो हैं, उन कंपनियों का जो है वर्चस्व यहाँ पर रहा, और उस कंपनियों में भी जो है वह अंततः प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में ब्रिटिश कंपनी जो है वह पूर्ण रूप से भारत की राजनीति में जो है हस्तक्षेप करने लग गई। तो विद्यार्थियों, इसके बाद में मैंने बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गई और भारत के किसानों से जो है उसने शोषण करना शुरू किया, तो यह जो है शोषण कृषि जो है के रूप में जो कृषि जो व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं में देखने को मिला, और उन व्यवस्था का नाम है, यहाँ हम बात करेंगे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत की कब की स्थिति, 18वीं सदी की। ठीक है, और इसमें हमने बात की थी कि ये कृषि व्यवस्थाएं थी जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। विद्यार्थियों, इन जो है व्यवस्था से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
भारतीय किसानों का शोषण करना शुरू किया। और इसी के साथ में जो है यहाँ से बहुत सारा जो पैसा है वह टैक्स के रूप में लेना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत के जो शासक थे उनको एक तरीके से उन्होंने पेंशनर बना दिया और सारी सत्ता जो जमींदारी की थी और फौजदारी की थी वो सारे कार्य उन्होंने अपने हाथों में लेने शुरू कर दिए। तो इसी के साथ में जो है शुरुआत की गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके जो गवर्नर या गवर्नर जनरल या वाइस राय जो धीरे धीरे हम इनको आगे पढ़ेंगे कि ये कब कब जो है बनने शुरू हुए, इनके द्वारा जो है सहायक संधियाँ वह जो क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों जो नवीन क्षेत्र जो स्वतंत्र बने हुए नवीन क्षेत्र थे उन क्षेत्रों से जो है जिनमें सहायक संधियाँ करके उन्होंने उन्हें भी अधिग्रहण या जो है करना शुरू कर दिया। तो इन सहायक संधियों के या जो है अधिग्रहण के इस प्रक्रिया में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें नाम आता है अवध, मैसूर, मराठा, तंजोर, सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद, इन जो है इनके साथ में सहायक संधियां करके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अधिग्रहण करना शुरू किया। एक और तो जो है वो किसानों का शोषण कर रही है, दूसरी तरफ सहायक संधियां कर करके राजनीतिक शोषण कर रही है, राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है और खूब यहां से जो धन है वह इकट्ठा कर रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके विरुद्ध जो लोग हैं वह किसान या जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है जिनका बहुत अत्यधिक मात्रा में शोषण हो रहा था वह इनके विरुद्ध हुए। और दूसरी व्यवस्था यह हुई कि ये जो विरोध है मुख्यतः जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी, इनमें कृषकों का शोषण हुआ और इस शोषण ये शोषण जो है वह तो कृषकों का शोषण तो आर्थिक रूप में है, इधर हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह सहायक संधियां कर रही थी और इस सहायक संधियों से जिसमें नाम हमने लिए थे हैदराबाद, मैसूर, तंजोर, अवध, सतारा, ठीक है, और इसके अलावा कर्नाटक, तो इनके साथ में जब सहायक संधि हुई तो इनका शोषण हुआ राजनीतिक। तो आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण, ठीक है। तो इस आर्थिक और राजनीतिक शोषण का विरोध निकल कर आया अठारह की क्रांति के रूप में, ठीक है, 1857 की क्रांति या जिसे इतिहासकार जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं या कुछ इतिहासकार जिसे सैनिक विद्रोह कहते हैं या विप्लव कहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो है एक आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, इसके अलावा धार्मिक शोषण, सामाजिक शोषण और इसके अलावा
तात्कालीन कारण, इन कारणों का परिणाम निकल कर आया क्या 1857 की क्रांति। तो इस 1857 की क्रांति को जब हम पढ़ेंगे तो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और तत्कालीन कारण जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के जो है संदर्भ में थे, उन कारणों की वजह से 1857 की बड़ी क्रांति हुई। और इसके बाद में यहाँ तक जो है यह तो है आधुनिक भारत का एक पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज या क्राउन की हिस्ट्री। ठीक है, तो एक हिस्ट्री तो यह हो गई। और एक हिस्ट्री यह हो गई। तो अगर आप आधुनिक भारत को अगर विस्तृत रूप में पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत की स्थिति आपको ये दिखाती है कि पहले जहाँ से शुरुआत है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और इसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और उनका हस्तक्षेप, और उस हस्तक्षेप का परिणाम 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का परिणाम ब्रिटिश क्राउन का शासन, यह परिणाम है। और इधर जो है ये परिणाम है। तो विद्यार्थियों, ऐसे आप अगर व्यापक रूप में इसको जो है वो समझते चलेंगे तो आपको जो है सारी स्थिति क्लियर समझ में आएंगी। जो घटनाएं हैं वो तो तिथिक्रम आपको पढ़नी ही है, लेकिन जो संदर्भ है वह सबसे महत्वपूर्ण है। इतिहास के अंदर जब पूरी घटनाएं जो हैं वो संदर्भ के साथ में समझते चलते हैं और एक दूसरे का लिंक कि वो उसकी पहली घटना दूसरी घटना की कनेक्टिविटी पहली घटना से किस रूप में है, ये जब आपको समझ में आ जाता है तो आपको याद करने में आसानी रहती है और लंबे समय तक आप उस चीज़ को याद रख सकते हो। तो आधुनिक भारत की बात करते हो तो सिंपल शब्दों में आपको ये जो है मन में प्रश्न आना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से है, औरंगजेब या मुगल सत्ता के पतन से, और पहली जो है वो पहला पार्ट जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप और वर्चस्व, और इसके बाद जो है दूसरी स्थिति कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम क्या है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का परिणाम क्या है ब्रिटिश क्राउन या ताज की जो है भारत के सत्ता को अपने हाथ में लेना। तो अब जब भारत की सत्ता को ये अपने हाथ में लेंगे तो इससे बहुत से बदलाव आएंगे, और ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि ब्रिटिश क्राउन ये देखेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस किस प्रकार की गड़बड़ियाँ की गई हैं, और जब ये गड़बड़ियाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश क्राउन या ताज का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट या समाप्त करने का जो प्रयास है, उन प्रयासों में पहला प्रयास निकल कर आता है 1873 का, सॉरी 1773 का रेगुलेटिंग। यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो 74 भी लिखते हैं,
ठीक है, और इसके पश्चात जो है इसकी कमियां वो सुधारने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने या समाप्त करने के पश्चात जो किए गए कार्य हैं वह हम जो है वो एक्ट के रूप में पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ से एक जो हिस्ट्री है वो तो इस रूप में पढ़ी जाएगी कि हम जो है वो सारे एक्ट पढ़ेंगे कि इसके बाद में मुख्य मुख्य एक्ट कौन से हैं जिनसे भारत की राजनीति में परिवर्तन हुआ है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है। और दूसरी ओर हम ये पढ़ेंगे कि अब जब 1857 की क्रांति है और 1857 की क्रांति से जब आर्थिक शोषण को हमने आर्थिक शोषण को कनेक्ट करके देखा तो हमने ये देखा कि ये कृषि का वाणिज्यकरण, कुटीर उद्योगों का पतन और धन का निष्कासन जो है यहाँ जो हो रहा था उसका उसके ऊपर भी अब विचार विमर्श किया जाने लगा। तो जो आर्थिक शोषण है इन व्यवस्थाओं से आर्थिक शोषण किस रूप में निकल कर आया कि कृषि का तो वाणिज्यकरण हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, और साथ ही धन का निष्कासन हुआ। इस धन का निष्कासन के चलते ही जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू करना आवश्यक महसूस किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अत्यधिक मुनाफा कमाने के बावजूद भी जो है ब्रिटेन में इंग्लिश जो बैंक है वहाँ से ऋण मांग रही है, तो इस व्यवस्था के अंदर सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह पारित किया। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, पीट्स इंडिया एक्ट क्या है। अभी मैं जो है सिलेबस की रूपरेखा आपको समझा रहा हूँ और सिलेबस की रूपरेखा के अंदर आपको ये देखना है कि कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने हैं और क्यों, उसका कारण क्या है कि कृषि का वाणिज्यकरण या कुटीर उद्योगों का पतन या धन का निष्कासन क्यों हो रहा था, उसका जो है रीजन यहाँ से निकल कर आएगा। अब जब भारत के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है, 1857 की क्रांति जो दबा तो दी गई लेकिन उसने जो है वह लोगों के सामने एक चुनौती तो लाई दी कि इतना बड़ा विद्रोह जो है हो रहा है तो उस विद्रोह का कारण क्या है, भारत की स्थिति इसका मतलब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खराब कर दी गई है। इस स्थिति के अंदर कुछ लोग जो हैं जो कि इस समय तक पढ़ने लिखने लग गए थे और धीरे धीरे शिक्षा का भी प्रसार हो रहा था, धीरे धीरे पत्र पत्रिकाएं भी जो है उनका भी प्रसार हुआ, तो इससे स्थिति निकल कर आई कि भारत के अंदर सुधार की आवश्यकता है। और ये सुधार जो है जो धर्म और समाज, ये सुधार जो है वह धर्म एवं समाज दोनों में ही आवश्यक महसूस किए गए। तो जिन लोगों ने इस धर्म और समाज के सुधार की रूपरेखा रखी ये लोग जो हैं वह समाज सुधारक कहलाए, और इन समाज सुधारकों में नाम मिलता है पहला राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले, कब 1828
या 1829 डेट जो है कंफर्म कीजिएगा। राजा राम मोहन राय के बाद में दूसरे हैं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज कब? 1875 ईस्वी। ठीक है, और इसके बाद में तीसरे हैं विवेकानंद राम कृष्ण मिशन। कहीं पर ये डेट आपको 96 मिलती है, कहीं पर ये डेट आपको 97 मिलती है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर विविध विविध लोगों ने विविध विविध डेट जो है वो दी है, तो आपको जो है वह आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक में जो डेट दी जाती है या दी गई है उन डेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है याद करना है, क्योंकि विद्यार्थियों हिस्ट्री के अंदर डेट्स की बड़ी प्रॉब्लम है और गाइड्स में जो है वो डेट अलग दी जाती है, पाठ्यपुस्तकों में डेट अलग है और स्टैंडर्ड की जो बुक है जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके अंदर भी डेट अलग अलग मिलती हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ही जो है विद्यार्थियों को यही राय देता हूँ कि अगर वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रमाणिक गाइड है या पुस्तकें हैं उनकी डेट्स याद करें, और अगर वे जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उन पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो डेट दी गई हैं उन डेट्स की जो है उन्हें याद करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके द्वारा जो है वो समाज सुधार का कार्य किया गया, तो इससे जो है भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, तो इनके द्वारा जो सुधार किए गए इससे राष्ट्रवाद जो है ये पनप रहा है। तो हम देखो कौन कौन से टॉपिक्स आज चर्चा कर चुके हैं, अगर इसको ए देते हैं इसको बी देते हैं इसको सी देते हैं इसको डी देते हैं ई और एफ। ठीक है, तो इन टॉपिक्स जो हैं एक इसे भी दे सकते हैं सहायक संधि भी, ठीक है, ये आपके जो पुस्तक है उस पुस्तक में पाठ के रूप में या अध्याय के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, और राष्ट्रवाद के उदय में जो है बात करेंगे तब अलग अलग जो है राष्ट्रवादी व्यक्ति, और ये जो है राष्ट्रवाद का उदय वह नेशनल मूवमेंट के रूप में जो है आपको पढ़ना है। तो आप 1857 की क्रांति से भी राष्ट्रवाद हो रहा है, देखिए। इसके अलावा सुधार जो धर्म सुधार आंदोलन है उन धर्म सुधार आंदोलनों से भी राष्ट्रवाद जो है वह उत्पन्न हो रहा है, तो इसकी चर्चा करते हैं।
उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं, और सिलेबस को किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार याद करना है, आप जो है वह आपके मन में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि मुझे जो है क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है इनमें से। जब आपके मन में ये प्रश्न आएगा तो आप इसका मतलब ये होगा कि हिस्ट्री से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और कनेक्ट नहीं होंगे तो आप जो हैं उसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे और क्लियर रूप में समझ भी नहीं पाएंगे। आप आधुनिक भारत के अंदर बिंदु पढ़ते हैं जी एच, राष्ट्रवाद, या राष्ट्रवाद का उदय और उत्थान, राष्ट्रवाद का उदय या उत्थान, ये उदय या उत्थान जो है उसके तीन चरण पढ़े जाएंगे, तीन चरण। पहला चरण कांग्रेस की स्थापना, या उदारवादी चरण, इसे जो है वह सीधे ही उदारवादी चरण लिख सकते हैं आप, उदारवादी चरण। दूसरा उग्रवादी चरण या अतिवादी चरण, और तीसरा गांधी युग। अब ये जो तीन चरण हैं, ये तीन चरण अलग अलग समय में चल रहे हैं। एक चल रहा है 1885 से 1905, घटना है कांग्रेस की स्थापना, और यहाँ घटना है बंगाल का विभाजन। अतिवादी चरण का समय 1905 से लेकर 1919, ठीक है, और 1919 जो है रॉलेट एक्ट की जो है स्थापना, या गांधी का जो है सत्ता के अंदर प्रवेश, इसे भी मानते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वह गांधी युग, जो कि 1919 से आगे तक माना जाता है। तो अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो तीन चरणों में बांटते हैं उन्हें, और ये तीन चरण उग्रवादी, उदारवादी और गांधी युग के नाम से जाने जाते हैं। इस पूरे समय के अंदर मुख्य रोल पढ़ा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले का। इस चरण के अंदर मुख्य रोल पढ़ा जाता है बाल गंगाधर तिलक का, और इसके अंदर मुख्य रोल गांधी का पढ़ा ही जाता है, ठीक है। तो ये तीन ऐसे महानायक हैं राष्ट्रवाद के, जो कि इस पूरे समय को लीड कर रहे हैं, और इस समय को लीड करते हुए जो है इंडियन हिस्ट्री को बदल रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी। तो उग्रवादी चरण, सबसे पहले उदारवादी चरण पढ़ेंगे तो महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले का रोल पढ़ेंगे। उग्रवादी चरण पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय का रोल पढ़ेंगे।
और गांधी युग पढ़ेंगे तो गांधी जी का रोल पढ़ेंगे। इसी के साथ में जो है इस चरणों के अंदर कुछ घटनाएं घटित होंगी, वो घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। कि उदारवादी चरण के अंदर कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद में जो है कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन, कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इसके बाद में जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वह कहाँ हो रही है, किसके द्वारा की जा रही है, और इसके बाद में जो है गांधी जी का इंडियन हिस्ट्री में प्रवेश, ठीक है। तो ये घटनाएँ हमें जो है क्रांतिकारी चरण या राष्ट्रवादी चरण में पढ़नी है, और उसके अंदर वामपंथी आंदोलन, इसके बाद में वामपंथी आंदोलन। तो विद्यार्थियों यहां तक जो है आपको पिछले जो हम 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश क्राउन की स्थापना पढ़ रहे थे, उस ब्रिटिश में हमने बात की ब्रिटिश क्राउन की स्थापना, तो ब्रिटिश क्राउन की स्थापना के साथ ही भारत के अंदर जो अधिनियम है उनको पढ़ना है, साथ में एक तरफ अधिनियम पढ़ने हैं, दूसरी तरफ जो है जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त अधिकारी है भारत में, जो कि गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय कहला रहे हैं, उनको क्रमशः पढ़ना है, फिर उस समय की मूल घटनाएं पढ़नी है, जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनके साथ में जो उनके आपस में झगड़े हैं उनको पढ़ना है, और इसके अलावा जो राष्ट्रवाद के चरण हैं, राष्ट्रवाद के चरण से पहले कुछ छोटे मोटे आंदोलन हैं वो पढ़ने हैं, और राष्ट्रवादी चरण के अंदर उदारवादी उग्रवादी गांधी युग पढ़ना है, इसी के साथ ही वामपंथी आंदोलन ये पढ़ना है। वामपंथी आंदोलन के बाद में मजदूर और किसान आंदोलन, मजदूर एवं कृषक आंदोलन ये पढ़ने, और इसके पश्चात जो है वह भारत के अंदर संवैधानिक विकास। अब जब भारत के अंदर उदारवादी उग्रवादी और गांधी युग के चरण चल रहे हैं, इन चरणों के बाद भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद के रूप, जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, उस राष्ट्रवादी विचारधारा से भारत के अंदर जो संवैधानिक विकास हुआ है, संविधान का विकास, और इस संविधान के विकास के अंदर हमें मुख्य रूप में तीन एक्ट जो भी हम पढ़ रहे थे ना रेगुलेटरी एक्ट से लेकर, ये संविधान के विकास के अंदर ही शामिल है, लेकिन यहाँ जो है वो तीन एक्ट जो है वो मुख्य रूप में पढ़ने हैं। एक 1919 का एक्ट या अधिनियम, दूसरा 1909, दूसरा 1919 का अधिनियम, और तीसरा 1935 का अधिनियम। ये अधिनियम ही जो है वो भारत के जो संविधान बना है उसकी नींव है। तो इन अधिनियमों से भारत के संविधान की बात करेंगे और सांप्रदायिकता के विकास की बात करेंगे। सांप्रदायिकता के विकास, सांप्रदायिकता का विकास क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि जो है कांग्रेस के बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1909 में। 1907 जो है जब सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस टूट रही है, और 1909 में जब 1907 में जब कांग्रेस टूट रही है और मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही जो है वह सांप्रदायिकता की जो है वह बीज बो दिए जाएंगे, और ये सांप्रदायिकता की बीज जो है वह आगे जाके भारत के टुकड़े करेंगे, और ये जो भारत के टुकड़े हैं इसमें हम जो है जो भारत का टुकड़ा हो रहा है, इस भारत के टुकड़े में पाकिस्तान का बनना ये देखेंगे। तो सांप्रदायिकता के विकास के अंदर जो है भारत का विभाजन, इसका अगला बिंदु
भारत का विभाजन, ठीक है, और इसके पश्चात जो है भारतीय राज्यों का एकीकरण। विद्यार्थियों मुख्यतः ये जो है यह आपके कोर्स में शामिल बिंदु है। इसके अलावा आप जो है वह अर्थव्यवस्था की या औद्योगिकरण की बात कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था या औद्योगिकरण, और इसके अलावा जो है वह विदेश नीति की भी बात करते हैं। अब हो सकता है कि इनमें कुछ बिंदु जो हैं वह बिंदु आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखे हों, हो सकता है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, MDOS अजमेर यूनिवर्सिटी, इनके पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत संशोधन करके और दे रखा है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि यह जो बिंदु है ये बिंदु आप जब तक नहीं पढ़ते, क्योंकि आप थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं और थर्ड ईयर के विद्यार्थी एक ग्रेजुएट विद्यार्थी से ये उम्मीद की जाती है कि वह अब जो विषय पढ़ रहा है या पढ़ चुका है उसमें वह संपूर्ण ज्ञान रखता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो बड़ी से बड़ी एग्जामिनेशन है उसका जो पैमाना है या उसकी एलिजिबिलिटी जो है, जो उसकी माप जो है मापदंड है, वह ग्रेजुएशन रखी गई है। तो इसीलिए ये हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए, लेकिन ये जो बिंदु मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये बिंदु आप पढ़ेंगे तो ही आप जो है वह अपने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे ही, साथ साथ में कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो भी आपको मुख्य रूप से सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो सिलेबस की रूपरेखा आपको मैंने समझाई है वह आपको क्लियर समझ में आई होगी। इसके साथ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे एक एक बिंदुओं को विधिवत रूप में पढ़ते चलेंगे तब आपको इनकी और चीजें जो है स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए। धन्यवाद।